अस्सलाम वालेकुम तलहा की YouTube फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जो किचन में बनाने जा रहा हूँ वो है बहुत ही सादा और बहुत ही आसान, सिर्फ चार इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाने वाला। हम बहुत ही मज़ेदार सा बलोची गोश्त बनाने जा रहे हैं, जो कि इतना सादा सा होता है कि जब आपका कुछ मसाले वाली और बहुत ही तेज़ चीज़ों से बिल्कुल दिल भर जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये बहुत आसान होता है और बहुत ही छटपट तैयार हो जाता है। तो चलिए किचन में चलते हैं और जानते हैं कि बलोची गोश्त कैसे बनता है। अच्छा जी, तो बलोची गोश्त जो आज हम बना रहे हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं वो मैं आपको बताए चलता हूँ। सबसे पहले जो है वो मेरे पास यहाँ पर बीफ का गोश्त है। बलोची गोश्त जो है वो बहुत ही मज़े का गोश्त होता है, बहुत ही सादा और बहुत ही आसान सा, इसको हर कोई ट्राई कर सकता है। आप बिल्कुल इसको बड़े से पतीले में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आज मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हो। मेहमान आए, आपके पास घर में कुछ नहीं है, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च तो सबके पास होती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले लिया है बीफ का गोश्त है मेरे पास, ये 1.5 किलो गोश्त है और इसमें जो है वो बलोची गोश्त में थोड़ी सी बड़ी हड्डियाँ और बड़ी बोटियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का साइज़ मैंने लिया हुआ है अपने गोश्त का और ये मैं इस्तेमाल करूँगा, और इसमें चर्बी जो है वो ज़रूरी है। बोटी के साथ चर्बी लगी हुई हो तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। साथ ही में मेरे पास जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरे पास जो है वो 4 से 5 अदद प्याज थी, इसको जो है वो मैंने इस तरीके से रफली सा चॉप कर लिया है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये मेरे पास कुटी हुई काली मिर्चें हैं, पिसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल नहीं होंगी इस बलोची गोश्त में। साथ ही में मेरे पास ये नमक है, ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें सबसे पहले जो है वो मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून नीचे लेयर में तेल शामिल कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेरे पास ये बड़े मीट के पीसेज हैं, वो मैं इसमें लेयर लगा दूँगा, कुछ मीट डालूँगा, कुछ हड्डियाँ डालूँगा और मुझे जो है वो इसकी लेयरिंग करनी है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर ये जो है वो मीट बिछा दिया। अब जो दूसरा मेरा स्टेप है, अब मुझे इन बोटियों के ऊपर ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं जो है वो 2 टेबलस्पून इस वक्त डाल रहा हूँ, और ये मैं ब्रश की मदद से इस तरीके से तमाम बोटियों पे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दूँगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने ब्रश की मदद से अप्लाई करना है अपनी तमाम बोटियों पर। ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है वो बहुत अच्छे से तमाम अपनी बोटियों पर अदरक लहसुन का पेस्ट लगा रहा हूँ। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास ये प्याज थी वो रफली से चॉप कर लें, वो जो है वो मैं अपने गोश्त के ऊपर रख दूँगा इस तरीके से, ठीक है जी। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त सा ये बलूची गोश्त बनता है, ठीक है। ये मैंने हाफ प्याज जो है वो इस वक्त इस पर बिछा दी, ठीक है। बहुत अच्छे से तमाम गोश्त पर मैं ये अपनी प्याज रख दूँगा। अब जो है वो मेरे पास ये 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, कुटी हुई काली मिर्चें, ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूँगा, ठीक है। ये 1/2 टीस्पून और स्प्रिंकल करेंगे, टोटल 1.5 टीस्पून इस वाली लेयर में हमने अपनी काली मिर्च का, कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी। साथ ही में मेरे पास ये नमक है, ये नमक को भी जो है वो मैं इस तरीके से तमाम अपनी बोटियों पे 1 टीस्पून नमक को शामिल कर दूंगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, मैं इस वक्त 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद सेम प्रोसीजर मैं दोबारा दोहराऊँगा, अपनी गोश्त के एक और लेयर लगा दूँगा। अब इसके ऊपर मैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल के ड्रॉप कर दूंगा, साथ ही में वही 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं तमाम अपनी बोटी हड्डी पे ब्रश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, कि तमाम जो मैंने ऊपर वाली लेयर लगाई है उस पर हर जगह मैं जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इस पर ब्रश कर दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ताकि जो है वो मेरी तमाम बोटियाँ कवर हो जाएँ। इसके बाद जो है वो मैं इसके ऊपर प्याज शामिल कर रहा हूँ, और ये जो है वो प्याज को आप इस तरीके से, ये देखिए, कोनों में जो है वो ज़रूर डालेंगे, ठीक है। ये प्याज सारी इसके ऊपर मैं बिछा दूंगा, जितनी भी मेरे पास बची हुई प्याज है, ठीक है। ये सारी प्याज, ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 छोटी प्याजें थी, उनको मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर दिया और ये मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी। साथ ही में ये 1.5 टीस्पून मैं दोबारा काली मिर्चों का पाउडर अपने मीट के ऊपर शामिल करूँगा, ये 1/2 टीस्पून और आ गया। इसके बाद मैं 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दूंगा। अब बस फाइनली मैं पानी इसके अंदर जो है वो इतना शामिल करूंगा कि जो मेरी नीचे वाली लेयर थी उस तक जो है वो पानी आ जाए।
बस मैं इतना पानी, आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे वाली लेयर थी ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ तक जो है वो ये पानी आ गया नीचे वाली लेयर तक। इससे ज़्यादा गोश्त को पूरा कवर नहीं करना आपने पानी में, बस इतने पानी हम डालेंगे और इसके बाद मैं जो है वो ये प्रेशर कुकर को बंद करूँगा और इसको जो है वो तकरीबन पहली सीटी आने के बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट बहुत अच्छे से कुक होने दूंगा। और इस पर अब मैं ये सीटी देके जो है वो इसको पहली सीटी आने के बाद 20 से 25 मिनट तक कुक करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। शुरू में प्रेशर कुकर की आंच जो है वो मैं तेज़ रखूंगा ताकि जल्दी से हमारा प्रेशर क्रिएट हो जाए, और ये मैंने इसके ऊपर सीटी लगा दी है। अब इसके बाद जो है वो मैं पहली सीटी आने के बाद इसको 25 टू 30 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक करेंगे ताकि आपका मीट जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। ये बलोची गोश्त बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम और बहुत ही टेस्टफुल बनता है। चलें अब जो ये बलोची गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हमारी सीटी आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो है वो गोश्त को पहली सीटी आ चुकी है। अब इसके बाद से हम टाइमर शुरू करते हैं और 25 से 30 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, और इसके बाद जो है वो हम अभी मैं इस टाइम पे चूल्हा थोड़ा स्लो कर दूंगा क्योंकि पहली सीटी आ चुकी है। अब इस सीटी के बाद जो है वो हमने 25 टू 30 मिनट बहुत अच्छे से अपने बलोची गोश्त को कुक करना है। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बलोची गोश्त तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और खुश कर दें तो आप इसके नीचे चूल्हा जला के जो है वो थोड़ा सा तेज़ आँच पे, हाई फ्लेम पे, अगर आप जो है वो अपनी ग्रेवी को और सुखाना चाहते हैं, ड्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना शोरबा जो है वो अच्छा लगता है ताकि जो है वो बलोची गोश्त में रोटी को डिप करके खाया जा सके। इसी तरीके का हमने ये आप गोश्त भी देख लें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा गला हुआ गोश्त है। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि ये लकड़ी के चम्मच से भी इवन टूट रहा है। ये आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो गोश्त गल गया है। इसी तरीके का हमने आपको जो है वो एक पेशावरी स्टाइल नमकीन गोश्त बनाना सिखाया था। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर देता हूँ, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो है वो मैं इसके बाद आपको इंशाल्लाह इस बलोची गोश्त का फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बलोची गोश्त बिल्कुल तैयार है और ये है इसका फाइनल लुक। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि अब आपने सारी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छे से देख ली होगी और समझ ली होगी। इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्रेशर कुकर हो, आप कोई भी बड़ा सा तसला ले लीजिए और उसके अंदर इस तरह से गोश्त की लेयरिंग कर दें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस बलोची गोश्त की कि आपने जो है वो उसको लेयरिंग में बनाना है। और बहुत ही सादे से आपके सामने थे चार इंग्रेडिएंट्स, उससे हमने बनाया बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला गोश्त। अभी इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तलहा को इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान।